नीलम शर्मा गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोयम द शेड बाय फ्रैंक फ्लैन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स थ्री सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। यू कैन पॉज द वीडियो। Think about this. How will you describe the shed? Scary, spooky, isolated, spacious, empty, stuffed. How? Write down in comment box. Pause the video and write down. What things are you likely to find in the shed? Animal shed, grain shed, old goods shed, wood shed, vehicle shed, tool shed, and insect. So they can be stored in the shed. Now I will start explaining the poem. Listen carefully. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. Jo पोएट है वो इस पोएम में बता रहा है कि देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। मतलब कि वहाँ पर जो पोएट का गार्डन है उसके बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल जहाँ पर गार्डन ख़त्म होता है बॉटम पर, वहाँ पर एक शेड है और जो कि वहाँ पर क्या है, स्पाइडर के वेब्स वहाँ पर हैंग हो रखे हैं, बहुत सारे स्पाइडर हैं। अभी आप थोड़ा सा भी अगर कहीं पर क्लीन नहीं करते हैं, मतलब अपने होम में ही आप देख लीजिए, तो अपने कमरे में ही देख लीजिए, तो आपको स्पाइडर जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो सेम चीज़ इसके जो शेड है पोएट का उसके डोर पर भी क्या हैंग हो रखा है, स्पाइडर वेब। द हिंजेज आर रस्टी, उसकी जो हिंजेज यानी कि जो विंडो होती है उसकी जो मतलब विंडो जिस पर रखी होती है और जो उसकी चटकनी होती है वो आयरन की होती है और वो कैसी हो गई है, द हिंजेज आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड, और रस्टी हो गई है, उस पर बहुत सारा जंग लग गया है और क्रीक, और जब भी विंड चलता है, जब भी बहुत तेज से हवा चलती है तो क्रीक यानी कि एक हार्श साउंड होता है, क्रीक यानी कि हार्श साउंड मतलब कि चिर चिर की आवाज़ आती है। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, वो कहता है जब भी मैं लेटा होता हूँ तो मैं ये जो आवाज़ होती है चर चर, ठीक है, इसको मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में क्या ख्याल आता है, आई विल ओपन दैट डोर वन डे, एक दिन तो मैं इस डोर को खोलूँगा और इसके अंदर जाऊँगा। नेक्स्ट स्टिंजा, देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड विद थ्री क्रैक्स पेंस ऑफ ग्लास। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। अब जो पोएट है वो ये बता रहा है कि देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो, यानी कि ये समझ में आ रहा है ये जो पोएट का शेड है वो कैसा है, थोड़ा बहुत पुराना है, बहुत सालों से उसको खोला नहीं गया है, तो वो कैसा हो गया है, डस्टी ओल्ड विंडो, उसकी जो विंडो है उस पर बहुत सारा डस्ट लगा हुआ है, अराउंड एट द साइड विथ थ्री क्रैक्स, थ्री क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लासेस, और उसके जो ग्लास हैं विंडो के ग्लास हैं वो कैसे हो गए हैं, थोड़े से टूट गए हैं, विथ थ्री क्रैक्ड पेन्स ऑफ
ग्लास. आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी. और उसको ऐसा लग रहा है कि शेड के अंदर वो जो विंडो के ग्लास जो टूटे हुए हैं उसके अंदर से कोई मुझे स्टेयर यानी कि घूर घूर के देखने की कोशिश कर रहा है. ईच टाइम दैट आई पास. और मुझे ये हमेशा लगता है जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो ऑफ वन डे. और वो ये कहता है कि मैं ज़रूर एक दिन इस के अंदर जाऊँगा और देखूँगा आखिर में वहाँ पर क्या है. My brother says there is a ghost in the shed. लेकिन मेरा जो भाई है वो ये मुझे बताता है कि हाँ इसके अंदर क्या है, एक भूत है. Who hides under the rotten floor boards. मतलब कि जो फ्लोर बोर्ड्स का मतलब वहाँ पे जो लकड़ी के जो सामान पड़े हुए हैं बोर्ड्स हैं उनके नीचे या हाई पीछे की तरफ कहीं ना कहीं घोस्ट जो है वो छुपा रहता है. एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इन साइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. तो मेरा जो भाई है वो मुझे कहता है अगर तुम इसके अंदर गए तो यहाँ का जो घोस्ट है जो भूत है वो तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हारा हेड क्या करेगा, चॉप आउट यानी कि चॉप आउट कर देगा, काट के अलग कर देगा. बट आई विल टेक अ पिक वन डे. लेकिन फिर भी मैं एक बार अंदर जाके तो देखूँगा. इट मीन्स कि जो पोएट है वो इनफ करेजियस है देखने के लिए. आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट. कहता है मुझे पता है कि वो जो मेरा भाई है वो मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे पता है कोई भूत भूत नहीं है अंदर. माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन. वो ये कह रहा है कि इसके अंदर जो गुफाएं हैं इसके अंदर जो खेलने का सामान है वो अपने लिए सिर्फ अपने लिए रखना चाहता है. इसीलिए मेरा भाई क्या कर रहा है, मुझसे झूठ बोल रहा है कि इस शेड के अंदर घोस्ट है. देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेज. इसके अंदर कोई भी नहीं है जो स्टेयरिंग नॉइजेज बनाए, है ना, मतलब मुझे स्टेयर करे, घूर घूर के देखे और डरावनी सी आवाज़ें बनाए, ऐसा कुछ नहीं है. ये सिर्फ क्या है, मेरा खुद का इमेजिनेशन है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वे सिंस आई डोंट नो व्हेन. अब क्या है, एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब सिंस आई डोंट नो व्हेन. आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट. अब जो पोएट है वो ये कह रहा है कि मैं एक दिन जो हूँ इस शेड के अंदर जरूर जाऊँगा लेकिन मैं कब जाऊँगा ये नहीं पता है. एंड फाइनली पोयम इसी सेंटेंस से ख़त्म हो जाता है कि बट नॉट जस्ट इट, मैं अभी तक नहीं गया हूँ लेकिन एक दिन मैं ज़रूर जाऊँगा. रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन. थैंक यू ऑल ऑफ यू.